इसमें कोई शक नहीं है। देश का बेड़ा गर्क जितने 75 साल में मोदी जी ने किया है ऐसा वाकई में किसी ने नहीं किया, इस बात में तो वो सही है। घटनाएं मैं बार बार कहा है, ये घटनाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक आप मारना नहीं सीखोगे, ये तब तक चलेंगे। जिस दिन आप मारना सीख जाओगे कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है कि कोई फर्क नहीं है भाई, क्या उसका फर्क है कि वो हथियार उठा के हमें काट के चले जाएं तो हम बिल्कुल गाय की तरह बकरी की तरह बैठ के गर्दन कटवाते रहे, या वो हथियार उठा के, हाँ संविधान को मानने वाले हैं, संविधान में ये भी अधिकार दिया कि कोई आपको मारने को आए तो अपनी रक्षा के लिए आप हथियार उठाओ, संविधान ने तो दिया अधिकार। हमारी आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है, पुलिस वाले इतने लोग हैं क्या, इतनी लाठी बरसाएंगे? ये हम डर रहे हैं वो अलग बात है। या तुम चला लेना व्यवस्था देश को मारने काटने लगे, जब कोई मारने काटने आवे तो उनकी गर्दन, अपनी गर्दन उनके सामने रख देना, काट ले गर्दन में। महात्मा गांधी का मैं मानने वाला नहीं हूँ तो मैं मारने नहीं जा रहा, लेकिन कोई मारने आएगा तो चूड़ियां नहीं पहनने की, मैं गर्दन काट दूंगा। अरे मोदी की बात और कुत्ता की लात दोनों बराबर ही है यार, किसकी बात कर रहे हो यार? वो भांड मीडिया है, उन्हीं के लिए काम करता है, अपने आकाओं को खुश रखने के लिए काम करता है, उसकी क्या बात। अरे वो दलित सांसद नहीं है, वो गुलाम है। वो नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी। तो भानु प्रताप जी सर, जिस तरीके से इंद्र मेघवाल के साथ हुआ, मगर आज़ादी का 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन दलितों को कहीं कहां तक देखा जा रहा है? इस अमृत महोत्सव में दलित है कि नहीं है सर? नहीं, दलित की बात नहीं, दलित के अलावा कोई भी नहीं है। दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, कोई नहीं इस सरकार की निगाह में। अगर होते तो कम से कम प्रधानमंत्री लाल किले से इस बात के लिए अफसोस जाहिर करते, और जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसके लिए एक कठिन मतलब कारावास, उसके दंड की जो है वो घोषणा करते, उस पर परिवार के लिए कुछ भी संवेदना व्यक्त करते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो साफ नजर आती है कि उनकी नज़र में दलित हों, आदिवासी हों, ओबीसी हों, दबे कुचले हों, माइनॉरिटी हों, उनकी कोई कीमत नहीं है, वो इंसान नहीं माने जाते प्रधानमंत्री द्वारा। तो कीमत, अभी आपने कहा आदिवासियों की कीमत नहीं है, तो कीमत के कीमत को मद्देनजर रखते ही द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन उन्हें आज जो है राष्ट्रपति का पद मिला। नहीं, वो सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। आप देखिए आने वाले समय में आदिवासियों का जो सत्यानाश इन्हीं के माध्यम से करवाया जाएगा, आप देखना धीरे धीरे। जैसे पीछे कोविद करके गए हैं रामनाथ कोविद, सब पूरा शलुकास का इनका सबका बेड़ा गर्क करके गए हैं, उनकी आंखों के सामने पूरा रिजर्वेशन सब कुछ खत्म हो गया, और 10% आरक्षण का बिल जो वो पास हो गया, CNRC वगैरह सब पास हो गया। ठीक इसी तरह से जो आदिवासियों से संबंधित जुड़े हुए जो कानून हैं, आप देखना उनका बेड़ा गर्क इन्हीं के माध्यम से होगा। लेकिन सबका साथ सबका विकास साथ में लेके चल रहे हैं, ये सब आप बार बार पूछते सवाल को पूछना ही नहीं चाहिए, आपको बंद कर देना चाहिए। मोदी जी सबका साथ नहीं, हम दो और हमारे दो, चंद लोगों का साथ लेना है और चंद लोगों की झोली में इस पूरे देश को डाल देना है कौड़ियों के दाम, ये मोदी जी का काम है और कोई काम नहीं है मोदी जी का। सबके लिए काम नहीं करते मोदी जी। प्रधानमंत्री लाल किला से कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीय जो है जब ये विकास करेगा तो देश 130 कदम आगे बढ़ेगा। यार ये नौटंकी और इस तरह की भाषा, ये ड्रामे बहुत हो गए हैं। 130 करोड़ कदम चलने से नहीं होगा, लोगों के लिए काम करने से होगा। ये नहीं कि 500 करोड़ रुपए आपने झंडे पे, क्योंकि हर घर झंडे पे खर्च कर दिए, इस 500 करोड़ में 20,000 सैनिकों को तनख्वाह दी जाती है एक साल के लिए, और इसके प्रचार में जो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए वो रहे अलग। सो ये नौटंकी करने से, ये ड्रामा करने से, ये प्रचार करने से, ये विज्ञापनों से देश आगे नहीं बढ़ता, देश काम करने से होता है। ये नारे देने से आगे नहीं बढ़ता, काम करने से आगे बढ़ता है। काम क्या कर रहे हो वो बताओ ना, काम तो कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो 75 साल में जो काम किसी ने नहीं किया वो हमने किया, इसमें कोई शक नहीं है। देश का बेड़ा गर्क जितने 75 साल में मोदी जी ने किया है ऐसा वाकई में किसी ने नहीं किया, इस बात में तो वो सही है। लेकिन सर जो राजस्थान में घटना घटी है उसको कैसे देखें? नहीं, राजस्थान में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है, और मैं समझता हूँ मिलकर सब लोगों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। आज मैं भी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि जो मुझे पता लगी कि यहाँ पर उस सिलसिले में आंदोलन है, सो आंदोलन होना चाहिए, और वहाँ भी राजस्थान में भी आंदोलन होना चाहिए, देश भर में आंदोलन होना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, और जो अपराधी है वो टीचर जो है उसको बाकायदा 302 का मुकदमा दर्ज हो, कि उसके मुकदमा चले और फांसी की सजा होनी चाहिए। ये रेयरेस्ट इंटू रेयर अपराध है।
सर ये वही राजस्थान है जहां पर कन्हैया लाल जैसे का जब हत्या कर दी जाती थी, तो यहां पर यही संसद मार्ग है और यही जंतर मंतर है, पूरा पैर रखने की जगह नहीं थी, यहां पर लोग जुटे हुए थे। लेकिन हमारे समाज के मतलब ये जो लोग हैं दलित समाज से हैं वो लोग यहां दिख ही नहीं रहे हैं, समाज एकजुट नहीं। ये दलित समाज की कमी है ना, आप ये देखिए कि वो अपने राजनीति के लिए कहीं भी इकट्ठे हो जाते तो आप क्यों नहीं इकट्ठे होते तो? जब आप पे अत्याचार होता है, वो तो उनकी राजनीति थी, वो उनका आदमी नहीं था, वो आदमी तो ओबीसी का ही था, लेकिन उनकी राजनीति के तहत तो वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। आपका अपना भाई बच्चा बच गया है और आप उसके लिए इकट्ठे नहीं हो सकते तो क्या कर सकता व्यक्ति, ये तो आपकी कमी है। ऐसी घटनाएं सामने आती है कि आजादी के मौसम का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये घटनाएं मैं बार बार कहा है, ये घटनाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक आप मारना नहीं सीखोगे, ये तब तक चलेंगे। जिस दिन आप मारना सीख जाओगे कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। ये बात जो है जो मनुवादी लोग वो भी कहते हैं कि हथियार उठा लो मोबाइल छोड़ के, आप भी ये बात कह रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कि कोई फर्क नहीं है भाई, क्या उसका फर्क है कि वो हथियार उठा के हमें काट के चले जाएं तो हम बिल्कुल गाय की तरह बकरी की तरह बैठ के गर्दन कटवाते रहे, या वो हथियार उठा के, हाँ संविधान को मानने वाले हैं, संविधान में ये भी अधिकार दिया कि कोई आपको मारने को आए तो अपनी रक्षा के लिए आप हथियार उठाओ, संविधान ने तो दिया अधिकारी, आईपीसी ने तो दिया ये अधिकार। वो 8 साल का बच्चा क्या करता सर? नहीं 8 साल का बच्चा नहीं करता, उसके परिवार वाले लोग हैं, समाज के लोग हैं, आवाज तो उठा सकते हैं कि उसके खिलाफ FIR हो, 302 का मुकदमा हो और वो जेल जाए, ये तो काम कर सकते हैं। पुलिस लाठी चार्ज करे इनके सर, कोई बात नहीं, कितने लोगों पर करेगी, हमारी आबादी कितनी है, हमारी आबादी कितनी है उसके हिसाब से लड़ो, हमारी आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है, पुलिस वाले इतने लोग हैं क्या, इतनी लाठी बरसाएंगे? ये हम डर रहे हैं वो अलग बात है। सर एक दूसरे को लोग काटने मारने लगे तो देश का व्यवस्था कैसे चलेगा? भैया तुम चला लेना व्यवस्था, देश को मारने काटने लगे, जब कोई मारने काटने आवे तो उनकी गर्दन, अपनी गर्दन उनके सामने रख देना, काट ले गर्दन में। महात्मा गांधी का मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानने वाला हूँ, और संविधान में लिखा है कि कोई आपको मारने आए तो आत्मरक्षा का अधिकार आपको है, और आत्मरक्षा का अधिकार इतना है कि आप उसकी जान तक ले सकते हैं जो आपको मारने आए, आपके परिवार को, आपकी संपत्ति को नष्ट करे, इतना भी अधिकार है। तो मैं मारने नहीं जा रहा, लेकिन कोई मारने आएगा तो चूड़ियां नहीं पहनने की, मैं गर्दन काट दूंगा। जब वो लोग बोलते हैं तो फिर विवाद क्यों हो जाता है? कोई बात नहीं, कौन बोल रहा है, कौन विवाद कर रहा है, कौन विवाद कर रहा, मोबाइल फेंको, किसने विवाद किया, बोलो बोलो, बोलने हैं वो, इसमें क्या दिक्कत है, बोलने हैं वो तो। लेकिन सर राहुल प्रियंका सबको न्याय दिलाने जाती है, राजस्थान में नहीं जाते न्याय दिलाने, जाके बोलो भैया उनके दरवाजे पे जाओ, जाके तुम सबको न्याय दिलाओ, दलितों से क्या दिक्कत है, जाओ उन्हें भी न्याय दिलाने, बोलो आप सारे जाके मीडिया वाले। यूपी में तो दलित को न्याय दिलाने चले जाते हैं, राजस्थान में नहीं जाते। तो राजस्थान में क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए नहीं जा रहे होंगे, इसलिए तुम जाके कहो कि तुम्हारी सरकार है इसलिए नहीं जा रहे क्या भाई, राजस्थान में भाई यूपी में जा रहे हो तो राजस्थान में भी जाओ, अन्याय जहाँ हो रहा हूँ वहाँ जाओ ना, भेदभाव क्यों कर रहे हो? नहीं तो जो बहुजन नेता वो भी तो जमीन पे नहीं उतरे अभी तक, तो आप उनसे बहुजन नेताओं से कहो जमीन पे उतरो भाई, आप मैं तो जमीन पे हूँ ना, आपको आपको मैं तो दिख रहा हूँ ना जमीन पे, यहाँ खड़ा हुआ। दलित लोग कहते हैं कि बहुजन वोट है, वो बहुजन को चाहता नेताओं, यही तो दिक्कत है कि जब उन्हें जरूरत होती है उनकी कि वो सड़क पर आए, इकट्ठे हों, संघर्ष करें, तब वो नहीं नजर आते हैं, नतीजा सामने है। सर आखिर क्या करे दलित, मूंछ रखे तो हत्या, गोली पे चढ़े तो हत्या, अच्छे कपड़े पहने तो हत्या। देखो भाई सबसे पहली बात है कि अपने आप को एजुकेट करो, शिक्षित करो, और दूसरा है कि संगठित हो, अकेले अकेले रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो यही हाल होगा, इकट्ठे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, फिर इसका मुकाबला किया जा सकता है। मोहित वेमुलर तो शिक्षित होने गए, हाँ, कोई दिक्कत तो, लेकिन उसके बाद उसके बाद में आंदोलन, उसके बाद में आंदोलन हुआ ना, रहमत रोहित वेमुला के बाद में कितना बड़ा आंदोलन हुआ भाई, आदमी जब व्यवस्था यहाँ इस तरह की है और जो मनुवादी है वो हावी है तो भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, हत्याएं तो होंगी, कोई ना कोई तो जाएगा, लेकिन ये रुके इसके लिए लोगों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, इकट्ठे होकर संघर्ष करना बहुत जरूरी है, एक नीति, एक रणनीति बनानी जरूरी है। आपने कहा शिक्षित करो, जो लोग जो शिक्षित हो चुके हैं वो तो सड़कों पर नहीं है इंसाफ दिलाने के लिए, तो मैं तो कह रहा हूँ ना उनसे जाके कहो कि तुम शिक्षित होकर सड़कों पे आओ, भानु जी ने कहा आते क्यों नहीं, कहो जाओ क्यों नहीं। सर सवर्णों की किसी की हत्या होती है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, सरकारी नौकरी मिलती है, देखिए सिर्फ इसलिए नहीं मिलते कि हमारा जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं वो मजबूती से इकट्ठे नहीं हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे आपको भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बशर्ते आप इकट्ठे हो। नहीं पार्टियों की मानसिकता तो कहने की बात कहाँ, कोई भी पार्टी हो हमारे प्रति मानसिकता उनकी ऐसी ही है, हमेशा रहेगी भी, आप उसे बदलने वाले नहीं है, ये तो हमारी ताकत पर ही निर्भर है कि हमारी ताकत होगी तो हम उनसे जो अपना हक ले लेंगे। इसी सरकार ने 50 लाख दिए थे कन्हैया को, यही सरकार
पीछे जो मूछो के उसमें जो मेघवाल हुआ उनको भी 50 लाख दिए थे, 1 करोड़ मिल सकते हैं, आप लड़ो तो सही, संघर्ष तो करो आप। सर कपिल मिश्रा है वो जाते हैं 1 करोड़ जमा करके पहुंचा। अरे यार मेरे किन की बात कर, नेता नहीं है क्या दलितों में? भैया ढूंढ लो मिल जाए तो। नहीं मैं क्यों बताऊंगा नेता, मैं नेता बताने के लिए हूँ क्या? बेकार की बात करे यार, मेरे समाज में रहता हूँ तो क्या मैं नेता बनाने के लिए हूँ? बेकार की बात कर रहे हो आप भाई। जो नेता है ढूंढो ना आप, मीडिया के आदमी हो, सड़क पर रहते हो, ढूंढो जो भैया जिसकी जेब में 1 करोड़ है वो जाके देखे हो। छुटकारा कैसे पाएंगे? छुटकारा सिर्फ इसी तरह से होगा कि जो लोग घरों में बैठे हैं उनको बाहर आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, हमें एजुकेट होना पड़ेगा जैसा बाबा साहब ने कहा, और मनुवाद को हमें पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। आज भी हम उसी चक्कर में अटके हुए हैं, आज भी हम उन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से 22 प्रतिज्ञाओं में सारी चीजें बताई हैं, लेकिन हम केवल लाभ के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। जो असली चीजें हैं जीवन में जिनसे परिवर्तन होगा उसे मानते नहीं, वो छोड़ते नहीं है। नतीजा ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छे लोग नेतृत्व करने आने लगेंगे, ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आरोप लगता है कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार, ये तो कांग्रेस की सरकार। ये हर देखिए आरोप आप एक पार्टी को नहीं लगा सकते, कोई भी पार्टी इतिहास उठा के देख लो, कोई भी पार्टी रही हो, अत्याचार हर किसी पर होते रहे हैं, दलितों पर तो विशेष रूप से, किसी की भी सरकार आए अत्याचार होते रहे, ये आपको रोकने पड़ेंगे। ये आजादी का महोत्सव मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? नहीं आजादी का महोत्सव कहाँ है कि आजादी है यार मेरे, लोगों को 100 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे, 7 लाख लोगों को रोजगार दे रही है सरकार, देश पर जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, देश को निजी हाथों में बिल्कुल कौड़ियों के दाम में अपने यारों को हम दो हमारे दो को ही दिया जा रहा है, काहे की आजादी है? आजादी तो मोदी जी के लिए जो 4 करोड़ रुपए विज्ञापन में एक दिन में खर्च करते हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, मौज ले रहे हैं, उनके लिए आजादी है, बाकी लोगों के लिए क्या आजादी? हाँ अमृत भाई वो तो कुछ भी बांटे भाई, उसके उसमें क्या है, कुछ भी बांट दो। सर जब कन्हैया लाल के लिए जब यहाँ पर लोग एकजुट हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे यहाँ पर, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश इस तरीके के नारे लग रहे थे और उनकी एकता दिखाई दे रही थी, लेकिन बहुजन एकता है ही नहीं, ना नेता खड़े होते हैं ना कोई दिखता है। तो ये समस्या बहुजनों की है, ये किसी और की समस्या नहीं है। अगर बहुजन नेता इकट्ठे नहीं हो रहे, समाज के मसले पर भी इकट्ठे नहीं हो रहे, तो ये समस्या बहुजनों की है, समाज की है, उन नेताओं की है, ये समस्या बीजेपी की थोड़ा ही है, ये समस्या कांग्रेस की थोड़ी ही है, ये तो हमारी समस्या है, हमें इसको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को, अच्छे लोगों को बाहर आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को साथ देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा मिलके। लेकिन सर मोदी जी ने बयान दिया था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो चाहे मुझे मारो। अरे मोदी की बात और कुत्ता की लात दोनों बराबर ही है यार, किसकी बात कर रहे हो यार? जो आदमी झूठ बोलने के अलावा कुछ करता ही नहीं है, कोई काम ही दूसरा नहीं है, वहां से भी लाल किले से 9 बार झूठी जिसने बोला, आप उसकी बात कर रहे हो, उसकी बात मत करो यार। घर घर तिरंगा पहुंच रहा है सर, क्या क्या फर्क पड़ता है? अरे आप गलत कह रहे हो, आपने देखा नहीं, आप देखते बार बार नहीं हो, जो देख रहा था वो क्या था, वो देखा नहीं आपने, जो माइक जहाँ लगा, जो स्टैंड लगा था माइक का, उस स्टैंड पे क्या लगा था वो, या तो कागज से या टेलीप्रॉम्प्टर था, कुछ तो कुछ था ही ना वहाँ उसे। अरे मीडिया तो गुलाम मीडिया, उनका क्या दलाल मीडिया, क्या बात करनी है, वो भांड मीडिया है, उन्हीं के लिए काम करता, अपने आकाओं को खुश रखने के लिए काम करता, उसकी क्या बात है। तो मीडिया से कोई उम्मीद नहीं आपको? नहीं आपसे उम्मीद है, उस मीडिया से नहीं जिसकी आप बात कर रहे हो, आपसे उम्मीद है भाई। आप ही ने किसान आंदोलन घर घर पहुंचाया, दुनिया में पहुंचाया, आप ही ने CNRC को पहुंचाया, आप ही ने रोजगार आंदोलन जो उसको पहुंचाया, जितने भी आंदोलन होते हैं जिनकी कहीं से खबर नहीं आती आप ही लोग पहुंचाते हो, आपसे उम्मीद है, उस भांड मीडिया से नहीं है, जो गोदी मीडिया है दलाल मीडिया उससे नहीं है। 101 दलित सांसद भी है सर, वो कहीं ट्वीट नहीं कर रहे हैं। अरे वो दलित सांसद नहीं है, वो गुलाम है, वो गुलाम है वो। अगर वो सांसद होते और समाज के बीच के होते तो समाज की बात करते, वो जिस पार्टी में उस पार्टी के बंधुआ मजदूर। सब जगह भाई ऐसे ही आदमी सब जगह बिठाए जाते हैं जो गुलाम हो और जो सरकार के हिसाब से काम करें, समाज के हिसाब से नहीं। राष्ट्रपति भी आदिवासी है, क्या फर्क पड़ता है? पीछे भी तो था वो, जिसको सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने दिएगा मंदिर पे, वही तो था पीछे, जितने जो जिसने जो उसके जो 10% आरक्षण था आर्थिक आधार पर संविधान के विरोध में, उस पर भी साइन कर दिए, CNRC भी साइन कर दिए, उसकी बात करो, ऐसे ये निकलेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता? चलिए शुक्रिया सर।
सर से पूछ रहे हैं बहुजन नेता ने। अभी हमारे साथ थे एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिन्होंने जिस तरीके से इंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ, जो घटना घटी इंद्र मेघवाल के साथ, 9 साल का मासूम जो है जातिवादी लोगों की जो भेंट चढ़ गया, जातिवादी जो उनके दिमागों में भरा हुआ इस तरीके का जहर लेकर जो लोग घूमते हैं, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद जो है ये इस तरीके की जाति का कीड़ा नहीं जा रहा है। वो कहते हैं ना जाति है कि जाति नहीं है, वाकई में जाति आज तक गई नहीं है, लेकिन ये जो दम भरने वाले लोग हैं लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव चख रहे हैं, अमृत की बात करते हैं, अमृत बांटा जाता है, और मोदी जी सबका साथ सबका विकास जैसे नारों के साथ यहाँ पर पूरा देश पर राज करते हैं, लेकिन वहीं जब सबके विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बहुजन समाज कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है और उनकी हत्याएँ इसी तरीके से कर दी जाती हैं। सोचिए उस 9 साल के मासूम का आखिर क्या कसूर था, उसने सिर्फ एक मटकी से पानी पिया था। सोचिए कि उसको पानी पीने पर उस शिक्षक ने उसको पीट पीट इतना मार दिया, इतना पीटा कि वो उसकी वहीं दम उसने वहीं दम तोड़ दिया। सोचिए कि किस तरीके के मानसिकता से भरे हुए ये लोग हैं जो लगातार इस तरीके के काम को हमेशा अंजाम देते आ रहे हैं। आखिर ये सरकारें इस पर चुप क्यों रहती हैं? आखिर ये जो गोदी मीडिया है लगातार जो दम भरता है इनका, और ये गोदी मीडिया लगातार इस तरीके की जो खबरें दिखाता अपने आकाओं की, लेकिन वहाँ पर जब इंद्र मेघवाल जैसे बच्चे एक मासूम की हत्या कर दी जाती है तो ये गोदी मीडिया अपने जुबान पर ताला लगा के बैठा होता है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा जंतर मंतर।